अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर बेलगाम वालों के लिए आज का दिन मसरूफ तरीन रहा। शहर में पंचमचाली लिंगायत समाज की जानिब से 2 ईयर रिजर्वेशन के लिए एहतजाज किया गया। इसी तरह खंजर गली उर्दू स्कूल में वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने विजिट कर जायजा लिया और उर्दू स्कूल के नज्म जब्त की तारीफ भी फरमाई। खंजर गली उर्दू स्कूल को नई इमारत के तहत कॉलेज भी तामीर करने का वादा किया गया। इस वक्त एमएलए आसिफ सेठ भी मौजूद रहे। एक और अहम खबर, आज अंजुमन हॉल में वफ चेयरमैन अफसर पाशा की निगरानी में जिले के तमाम मस्जिद दरगाह कब्रस्तान कमेटियों के मुतवलियान को बुलाकर तबादले ख्याल किया गया। इनके मसाइल पर भी गुफ्तगू फरमाई गई। हाल ही में बेलगाम अंटमूरी में जो खातून को बराना कर पीटने की वारदात और रात को खंबे को बांध कर रखने पर कुछ अखबारों ने दायरों की खिलाफ वर्जी कर खबरों को शाया किया, इन पर भी कार्रवाई का इशारा आज दिया गया। पर वैसे सबसे अहम खबर दिल्ली से लेते हैं, जहां लोकसभा में 3 अनजान लोगों ने दाखिल होकर जिस तरह एहतजाज दर्ज किया वाकई अफसोसनाक तो है ही, साथ में बार बार कैसे तहफ़्फ़ुज़ दस्तान की सुरक्षा तोड़कर दाखिल हो जाते, लिहाजा इस पर भी आज बेलगाम अधिवेशन में संजीदगी से तबसरा किया गया और दिल्ली की वारदात की मजम्मत भी फरमाई गई। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस वारदात से हमें भी सबक लेना होगा कहते हुए किसे सुवर्ण सौध में दाखिल होने का पास दे रहे हैं इसका भी ख्याल एमएलए को रखना होगा ऐसा बता, क्योंकि भाजपा के प्रताप सिन्हा के पास पर ही ये तीनों दाखिल हुए थे ऐसा सामने आया। खैर, वारदात के 2 पहलू हो सकते हैं। आखिर इस तरह का एहतजाज करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि एहतजाज में जिस कॉलेज की लड़की ने इजहार ख्याल किया तो मुल्क के हालात का अंदाजा भी आ जाता है। नीलम नाम की लड़की जिसे बाद में हिरासत में लिया गया, उन्होंने कहा कि हम आम आवाम है लेकिन हुकूमत हम पर जुल्म ज्यादती कर रही है। तालिबे इल्म अपना हक मांगना चाहते हैं लेकिन इन पर लाठियां चलाई जाती है और किसी भी तंजीम से न होने की बात भी नीलम ने बताई। काले कानून वापिस लो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए जा रहे थे और नारे लगाते हुए लोकसभा के वेल में कूद पड़े। फौरन संसद की कार्रवाई रोक दी गई। जिस पीले धुएं को लोकसभा में फैलाया गया उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर नशर एक वीडियो में एक शख्स पीले रंग की फ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा के ऐवान के अंदर एक सीट से दूसरी सीट तक बड़े ही शातिर तरीके से और बड़े चुस्ती के साथ नेविगेट करते हुए दिखाई दे रहा। नीलम हिसार हरियाणा से है तो अमोल शिंदे लातूर से, जाहिर है अब ये मुसलमान नहीं है तो किसी तरह का कोई दहशत गर्द हमला नहीं है ऐसा न्यूज पर बताया जा रहा। अब जिन फ्लेयर का इस्तेमाल किया गया जो वहां पर गिरा हुआ था उसे लेकर किस तरह से गोदी मीडिया आपस में झगड़ रही थी, ये भी एक अजीब तमाशा देखने को मिला। जिस येलो स्मोक फ्लेयर को जांच एजेंसियों के पास होना था वो न्यूज चैनल के एंकर हासिल करने के लिए लड़ते हुए देखा गया। इससे आज मीडिया का मियार किस हद तक गिर चुका है ये भी देखने को मिला। और सबसे अहम पहलू ये था कि लोकसभा में दाखिल होने के लिए जो पास दिया गया था वो कर्नाटक भाजपा मैसूर के एमएलए प्रताप सिन्हा ने दिए थे। खैर, इसकी हकीकत समझने की जरूरत है और जरूर सामने तस्वीर आ भी सकती है, कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो फिलहाल मंजर नजर आ रहा है कि बेरोजगारी आखिर कहां तक पहुंच चुकी है। नीलम के भाई ने अपनी बहन की डिग्रियां गिनवाई और बेरोजगारी की बात कही। नीलम मणिपुर में भाजपा हुकूमत की जानिब से जुल्म ज्यादती का भी जिक्र करते हुए देखा गया। अगर आज की इस वारदात का जिक्र किया जाए तो इसके कई पहलू बताए जा सकते हैं। आखिर इतना हसास इलाका हाई सिक्योरिटी इलाका कहा जाता है, वहां अंदर आयवाने पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज सोचने की बात है। यह अलग बात है कि एहतजाजी मुसलमान नहीं, वरना तो बात और कहां तक पहुंचती मालूम नहीं। इससे पहले भी सुरक्षा चूक कहते हुए बातों को टाल दिया जाता है। जितने भी बड़े हमले हुए सिक्योरिटी लैप्स कहते हुए एक और हमले का इंतजार ही किया जाता रहा है। इसकी हकीकत सामने आने तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पास देने वाला भाजपा एमएलए है। एहतजाज भाजपा या मोदी हुकूमत के खिलाफ है और संसद में अंदर दाखिल होकर इस तरह नारेबाजी करना ये भी अजीब है। लिहाजा बेरोजगारी ही इसकी असल वजह कहा जाए तो ये तो शर्मनाक ही कह सकते हैं। समझ में नहीं आता कि भाजपा या मोदी सरकार जीत कैसे लेती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात संसद में दाखिल होकर करना पड़ता है मतलब इस मसले की संजीदगी को समझने की जरूरत है। इसका आखिरी पहलू जैसे हमने ऊपर बताया कि गोदी मीडिया का तमाशा, बजाय सिक्योरिटी पर बहस मुबासे करते रंगीन स्मोक फ्लेयर के लिए लड़ते हुए देखा गया। एक साथ कई पहलू आज देखने को मिले। एहतजाज करने वालों को पीटने की भी वीडियो वायरल हो चुके, लिहाजा इतना जरूर है कि इस एहतजाज ने एक और बहस के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन इसकी हकीकत तब सामने आ सकती है जब भाजपा के एमएलए की तफ्तीश हो। भाजपा के एमएलए प्रताप सिन्हा के नाम पर पास इनके पास था, जब संसद इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता कहा जाता है तो आखिर किस साजिश के तहत दाखिल हुए थे? क्या महज एहतजाज ही इनका मकसद था या कुछ और? क्या आपको मालूम है कि 22 साल पहले आज ही के दिन पार्लियामेंट पर हमला किया गया था? आज शहीदों को खिराज अकीदत पेश भी किया गया था। क्या ये इत्तफाक है या कुछ और? लिहाजा पास देने वाले प्रताप सिन्हा की
तब 30 जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन एहतजाज करने वालों को पास प्रताप सिन्हा ने क्यों दिया था, जो भी हो लेकिन सुरक्षा चूक कर हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर भी जरूर कमेंट करें। अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज शहर में पंचमशाली लिंगायत एहतजाज किया गया, हजारों की तादाद में लोगों ने जमा होकर 2A रिजर्वेशन की मांग की। इस वक्त लिंगायत के तमाम लीडरान मौजूद रहे, आइए देखते हैं कुछ मंजर। आज बेलगाम खादरवाड़ी के आवाम की जानिब से एमएलए अभय पाटिल के खिलाफ एहतजाज किया गया और डीसी बेलगाम को मेमोरेंडम पेश किया गया। इनका कहना यह है कि इनकी जमीनों को एमएलए की जानिब से हड़प किया गया। शहर में देखा जा रहा है कि साउथ के एमएलए अभय पाटिल के खिलाफ मुस्तकिल एहतजाज किए जा रहे हैं। कारपोरेशन में या फिर जमीनों पर नाजायज कब्जे का इल्जाम लगाकर एहतजाज इससे पहले भी किया गया था। देखते हैं आज की इस एहतजाज की भी कुछ मंजर। दाखल है आंदोलन केल्यामुळे आज झालेला आहे, नाही तर झाला नसता। ही एकीचा बळ आहे, एकीचा बळ आहे, एकी सोडू नका। आता किती दबाव आला तर पण सोडू नका तुम्ही, आम्ही तुमच्या बरोबर आहे। बघूया कोण येतोय, बघूया। हा म्हणून आता त्यांनी 307 घातलेला आहे आणि जे दोन टीम काय तर त्यांना पकडायला तर घेऊन गेलेलं आहे म्हणे। माझं एक म्हणणं असं आहे, होय आम्ही सगळं बसलोय की होय ते मेन अत्याचारी आहेत, विशाल धामणेकर कमिशन एजंट आहेत, ते विशाल धामणेकर मेन आमच्या समोर अरेस्ट करून येणार आम्ही जावं असं आमची कल्पना होती। विशाल धामणेकर एकटाच आज बेलगाम अधिवेशन में बेलगाम हवाई अड्डे का नाम कित्तूरानी चन्नम्मा रखने का मुतालबा किया गया। एमएलए कोल रेड्डी ने बेलगाम एयरपोर्ट का नाम कित्तूर चन्नम्मा एयरपोर्ट तो एमएलए बेल्लद ने हुबली हवाई अड्डे का नाम संगोली रायन्ना रखने की मांग की। खैर, राष्ट्रपुरुषों के नाम रखना अच्छी बात है, रखने भी चाहिए, पर कहीं तो यहाँ टीपू सुल्तान को लेकर किसी को दिलचस्पी नजर नहीं आती। इससे पहले भी बेलगाम बस स्टैंड की नई इमारत या रेलवे स्टेशन की नई इमारत या फिर सड़कों और ब्रिज के नामों को लेकर अक्सर बहस देखी जाती है। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि मुस्लिम लीडर भी इस पर खामोश नजर आते हैं। अब इन्हें भी टीपू याद नहीं आते या फिर याद करना नहीं चाहते, ये समझ से बाहर है। जिस शख्स के नाम से कर्नाटक की पूरी दुनिया में पहचान है, अगर एकाध किसी सड़क या ओवर ब्रिज को नाम दिया जाता है तो अच्छा होगा, ऐसी भी मांग आवाम में की जा रही है, ऐसी खबर हासिल है। आज वजीर सतीश जारकीहोली ने बेंगलोर में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात फरमाकर बेलगाम गांधीनगर संगम होटल से लेकर सीबीटी तक फ्लाईओवर ब्रिज पर मीटिंग की। इस ओवर ब्रिज पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई है, जल्द काम शुरू हो जाएगा इस तरह भी बताया गया। बेंगलोर के लीला पैलेस में मीटिंग फरमाई गई। आज अंजुमन हॉल में जिले के तमाम मुतवलियान जमातों के जिम्मेदारान को बुलाकर मीटिंग की गई थी। वह बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा की निगरानी में मुतवलियान के मसाइल को हल करने की कोशिश की गई, सवाल जवाब भी हुए। तमाम मुतवलियान ने अपने मसाइल को भी सामने रखा, लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से 2024 में मोदी हुकूमत आ सकती है इस तरह से बातें कही जा रही है, और वैसे भी मरकज में मोदी हुकूमत है और अब तो कानून बदले जा रहे हैं, संविधान बदला जा रहा है, अपने अपने हिसाब से कानूनों को नया नया मंजूरी दी जा रही है, तो अब एक नई बात ये भी सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड के एक्ट को ही खत्म किया जाए और इसको पूरी तरह से
मोदी हुकूमत अपने इख्तदार में रखना चाहती है। क्या कर्नाटक का वक्फ बोर्ड इसके लिए तैयार है, इनके पास क्या है, इस पर भी हमने सवाल जवाब किया। आइए देखते हैं उसके भी कुछ मंजर। आज यहाँ पर तमाम मुतवलियान की जानिब से मंजुमन हॉल में वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर हमारे पास रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर पाशा यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने तमाम जमातों की, दरगाहों की, मस्जिदों की वगैरह तमाम, सर एक सवाल तमाम बातों से हटकर मैं पूछूंगा, जिस तरह से 2024 में मोदी गवर्नमेंट औकाफ के जो कानून है उन्हें ही रद्द करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी आगे पहुंच चुकी है और हो सकता है जैसे कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है कई सारे कानून बदले भी जा रहे हैं, कैंसिल भी किए जा रहे हैं, अगर औकाफ के अगर वो अपने कब्जे में ले लेते हैं तो रियासती सतह पर तुम्हारे पास क्या है प्लानिंग? इंशाल्लाह हमारे रियासत के कर्नाटक के जिम्मेदार बहुत सारे हैं, हमारे कल भी जबर साहब और हमारे मिनिस्टर जमीर साहब उन्होंने इसके बारे में बात भी की है। असम्बली के बाद बेंगलुरु में एक पूरे सीनियर्स एडवोकेट्स को, सीनियर काउंसिल मुस्लिम्स के एडवोकेट्स को बुला कर उसके बारे में उस दिन वहाँ लीगल ओपिनियन लेने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। पहले जब असम्बली के बाद बेंगलुरु में लीगल ओपिनियन के लिए एक मीटिंग फिक्स होकर है, फिक्स होने के बाद उस दिन मीटिंग में जो जो लीगल ओपिनियन, मैं ये कह रहा हूँ अगर इस तरह के कानून कोई बनते हैं तो कोई मंसूबा, कोई प्लानिंग, कोई रोड मैप रियासती हुकूमत के पास, आप लोगों के पास उस दिन तय करेगा। वो पूरे मुस्लिम्स लीडर, हमारे मिनिस्टर्स, जितने मुस्लिम्स एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, पूरे भी असेंबली के बाद बेंगलुरु में जमा हो रहे हैं, उस दिन जो डिसीजन होता उस दिन हमें तय करते हैं। इसलिए वो मैं ये कला वो सब्जेक्ट के लिए बात करने का नहीं अच्छा रहता, सीनियर्स हैं, सीनियर्स। मेरा ये कहना था सर, जैसा अभी रियासत हमें है, चार साल और हुकूमत है, कभी भी बाजी पलटी जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है सर, न सिर्फ ईवीएम बल्कि आजकल एमएलए भी खरीदे जाते हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं, बनाई जाती है, इस तरह का माहौल तो देखने मिलता है। अगर इस तरह के मामला आने से पहले क्यों ना वक्फ की जितनी भी ज़मीन है कई सारे इदारों को, कई सारी मुस्लिम कमेटियों को क्यों नहीं तकसीम? मैं बहुत सारे सब्जेक्ट उस दिन डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक ही बात बहुत बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ हमें उस दिन पूरे स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स और लीगल ओपिनियन यानी सीनियर काउंसिल मुस्लिम्स लॉयर्स भी उधर आ रहे हैं, उस दिन पूरे भी हर चीज़ भी उस दिन डिस्कस होता है, फाइनल ओपिनियन। इससे पहले भी कभी आपने इस पर कभी तवज्जो फरमाई इस तरफ, क्योंकि ये तो मसला बहुत दिनों से है, सेंटर में मोदी हुकूमत है, 2024 में फिर से आ सके? देखिए उतना मोदी साहब बोले हैं ना उतना इजी नहीं है वो सेंट्रल एक्ट निकालने के लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमना उम्मीद है हमारा वक्फ एक्ट क्या भी उन्होंने नहीं कर सकते, क्योंकि हमना कोर्ट के ऊपर उम्मीद ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट है, हमना कोर्ट के ऊपर उम्मीद भी है और मोदी साहब के लिए भी उनके ऊपर भी उम्मीद है, कौन सा भी एक्ट संविधान हमारा वक्फ एक्ट निकालने का एक ही, संविधान को भी निकालने का एक ही, वही रहता है। वैसे भी तो संविधान बदला ही जा रहा है तो सर कितना ऑब्जेक्शन किया जा रहा है? अभी उस दिन हमारे सीनियर लीगल ओपिनियन क्या देते हैं देखो, उनके साथ बात करके बाद नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यह मेले जनाब आसिफ सेठ के हाथों गांधीनगर में आदिल आर्ट्स के दफ्तर की इफ्तिताह अमल में आई, इस वक्त अहम जिम्मेदार मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।